और आइए बात करते हैं कांग्रेस के धर्म संकट की। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने लेफ्ट से गठबंधन किया, लेफ्ट ने एक और गठबंधन कर लिया। उस गठबंधन को लेकर कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया, ऐसा घमासान जिससे दिल्ली से बंगाल तक कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस अब एक ऐसे धर्म संकट में फंस गई है जहां से वो एक कदम ना तो आगे बढ़ सकती है और ना ही अपने कदम पीछे खींच सकती है, क्योंकि बंगाल चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी कांग्रेस को नए वोट बैंक की तलाश है और इसी तलाश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने ऐसा गठबंधन कर लिया है जिसमें धार्मिक ध्रुवीकरण का रंग घुला हुआ है और ये रंग कांग्रेस को फिलहाल अपनी सियासत के लिए सूट करता हुआ नहीं दिख रहा। आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस अपने ही गठबंधन को लेकर आखिर किस धर्म संकट में फंस गई है। এই ভারতবর্ষের জন্য 10-20-50 কোটি লোক মরে যায়। बचपना क्यों कर रहे हैं पता नहीं, और हो सकता है किसी के इशारे पर और किसी को खुश करने के लिए भी। आज वो क्या कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को घुमा फिरा के मददगार बनते जा रहे हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान का ये सियासी मंच कांग्रेस के लिए अंदरूनी महाभारत का अखाड़ा बन गया। केंद्र से लेकर राज्यों तक हर बड़े संघर्ष में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस अब बंगाल में अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। इसी तैयारी के तहत उसने वाम दलों के साथ बंगाल चुनाव के लिए हाथ मिलाया, लेकिन ये दोस्ती कांग्रेस के लिए गले की फांस बनती जा रही है। धर्म निरपेक्षता पर राजनीति करने वाली कांग्रेस अब बंगाल में एक ऐसे गठबंधन के साथ जुड़ गई है जहां धर्मीय ध्रुवीकरण का वादा करने वाले भी शामिल हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अपना सियासी धर्म निभाए या फिर पार्टी का बुनियादी धर्म। लेफ्ट के साथ हाथ मिलाने वाली कांग्रेस केरल में लेफ्ट के खिलाफ है, लेकिन बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन कर रही है और इस गठबंधन में अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा भी शामिल हैं, जिन पर धर्मीय राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। पिछले हफ्ते ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट के साथ आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी भी पहुंचे। कांग्रेस के अधीर रंजन वही मौजूद थे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ऐसे धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत वाले गठबंधन को लेकर अधीर रंजन पर ट्वीट के जरिए हमला बोला। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है, हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने पहले तो ट्वीट के जरिए ही जवाब दिया, लिखा, किसी के इशारे पर कह रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए कह रहे हैं, कुछ सवाल थे तो फोन कर लेते, नियत में खोट रहा होगा, मुझसे सवाल पूछने की जगह ट्वीट किया। कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ट्वीट के बाद अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज 18 पर बंगाल के राजनीतिक गठबंधन और उसे लेकर अंदरूनी घमासान पर खुलकर बात की। कैसे बताओ, ये बचपना क्यों कर रहे हैं पता नहीं, और हो सकता है किसी के इशारे पर और किसी को खुश करने के लिए भी इस तरीके की बेबुनियाद जबान कहे जा रहे हैं। उनसे अगर कुछ सवाल थे तो एक टुक फोन करके अगर मुझसे ये पूछा जाता कि भाई ये क्या कर रहे हो, अब क्यों कर रहे हो, बजाय क्या है, तो आसानी से उनको मैं समझाने में सफल रहते। लेकिन उनकी नियत में ज़रूर कुछ खोट रहा होगा, जिसलिए उन्होंने मुझे सवाल पूछने का बजाय
मुझसे जानकारी हासिल करने की बजाय तुरंत चले गया ट्विटर में। अब आपको समझाते हैं कि कांग्रेस को बंगाल में गठबंधन धर्म से ज्यादा धर्म निरपेक्ष सियासत का धर्म क्यों याद आ रहा है। कांग्रेस ने लेफ्ट से गठबंधन किया, लेफ्ट ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से गठबंधन किया। आईएसएफ पहले ही असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को आईएसएफ से एतराज है क्योंकि कांग्रेस धर्म निरपेक्ष बने रहना चाहती है। नया मामला नहीं, 2016 साल में हम लोग जो किया था उसी को दोहरा रहे हैं 2021 में, क्योंकि हमें ये एहसास है कि अकेले दम पर हम अगर चुनाव लड़े, लेफ्ट पार्टी अगर अकेले दम पर चुनाव लड़े तो यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी और बीजेपी की ज़्यादा सुविधा होने की संभावना है। जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं, कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने लिखे हैं, मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है। राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस बनाए रखे केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। बंधुगण, आज से अनेकों, मैं कहूंगा महीनों पहले 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था, ये दरअसल ठगबंधन है। कांग्रेस की परेशानी का असली मुद्दा है धर्म। आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहले ही दावा कर चुके हैं कि वो मिलकर बंगाली मुस्लिम और उर्दू भाषी मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित होंगे। कांग्रेस के कई नेताओं को धार्मिक ध्रुवीकरण वाली सियासत से एतराज है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी सियासी मुश्किल ये है कि अगर वो लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन जारी रखने का फैसला करती है तो उसकी धर्मनिरपेक्षता वाली साख दांव पर लग जाएगी। उसकी वजह यह है कि लेफ्ट पार्टियों के साथ इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, का गठबंधन हो चुका है। अब्बास सिद्दीकी असदुद्दीन ओवैसी से भी मिल चुके हैं, तो अब कांग्रेस के सामने मुश्किल ये आने वाली है कि जब जब वो धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर लगाएगी तो बीजेपी के पलटवार का जवाब नहीं दे पाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस के सामने बड़ा धर्म संकट है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए अपने पुराने सहयोगियों के ऊपर भरोसा करे, उनके साथ चले, या फिर नए सहयोगियों की तलाश करे। कांग्रेस बंगाल में 44 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन इस बार उसने लेफ्ट के साथ हाथ मिला लिया। वाम दल और उनके सहयोगियों के पास 29 सीटें हैं। ऐसे में दोनों मिलकर अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए साथ आ गए, लेकिन इस गठबंधन को कांग्रेस के बजाय वाम दल लीड कर रहे हैं, यानी गठबंधन में लेफ्ट की भूमिका बड़े भाई वाली है। लेफ्ट ने कांग्रेस के साथ साथ इंडियन सेकुलर फ्रंट से भी हाथ मिला लिया, क्योंकि वाम दलों को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक के बिना बंगाल में बड़ी जीत हासिल करना मुमकिन नहीं है। बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2016 में टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट मिले थे। इस बार पुरपुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी मैदान में है। सिद्दीकी के आईएसएफ को लेफ्ट ने 30 सीटें दी हैं। आईएसएफ ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी हाथ मिलाया है। 90% से ज्यादा मुसलमान बांग्ला भाषी हैं। बांग्ला भाषी मुसलमानों पर अब्बास की पकड़ है। करीब 9% मुसलमान उर्दू भाषी हैं। उर्दू भाषी मुसलमानों पर ओवैसी असरदार हैं। अब्बास हुगली नॉर्थ और साउथ 24 परगना बर्दवान हावड़ा के मुसलमानों पर प्रभावशाली हैं। लेफ्ट को भले ही अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन से परहेज न हो, लेकिन धर्म निरपेक्ष सियासत का दावा करने वाली कांग्रेस में मुस्लिम ध्रुवीकरण की सियासत को लेकर घमासान मचा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों वाले मालदा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं।
लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। कांग्रेस में धर्मनिरपेक्ष सियासत को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी मुस्लिम बहुल सीट मालदा पर जोर क्यों दे रही है, इसके मायने समझिए। मालदा बांग्लादेश सीमा के पास है। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें हैं। यहाँ 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 में बीजेपी ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट जीती थी। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वैष्णव नगर सीट जीती थी। 2019 उपचुनाव में बीजेपी ने हबीबपुर सीट पर जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण जोरों पर है। हर दल धर्म विशेष से खुद को जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास अब विकल्प ना के बराबर है। या तो वो इस सियासी लड़ाई में शामिल होकर अपनी राजनीतिक ताकत साबित करे, या मजबूरी के गठबंधन में रहकर सिर्फ सियासी तमाशा देखती रहे।